शाम को मेरे ऑफिस के बाहर उस टीन की छत के नीचे उन मर्दानी हाथों के बीच एक खनकती चूड़ियों वाले हाथ में जब मैं धुआं देखता हूँ तब मुझे तो ठीक ही लगता है। लेकिन जितने कलीग दोस्तों को मैंने आंखें चौड़ी करते हुए देखा है उतनी ही कलीग सहेलियों को भी मैंने नज़रें फेरते हुए देखा है। सवेरे उस लाल बत्ती वाले चौराहे पर उल्टी गिनती करते उन दाढ़ियों वाले हेलमेट्स के बीच एक लहराती जुल्फों वाले हेलमेट के नीचे जब मैं घुटनों से ऊंची पोशाक और एनफील्ड के दो पहिए देखता हूँ तब मुझे तो ठीक ही लगता है। लेकिन जितने ऑटो वाले भैयाओं को मैंने बड़बड़ाते हुए देखा है उतनी ही स्कूटी वाली दीदियों को भी मैंने मुंह बिगाड़ते हुए देखा है। मध्य रात्रि में मेरी सोसाइटी के गेट पर एक पीली पट्टी की गाड़ी से उतरती उन भारी आवाज़ों के बीच एक तीखी आवाज़ को जब मैं सिक्योरिटी वालों से बहस करते हुए देखता हूँ तब मुझे तो ठीक ही लगता है। लेकिन जितने पड़ोस के अंकलों को मैंने कैरेक्टर का प्रमाण देते हुए देखा है उतनी ही आंटियों को भी मैंने उसी प्रमाण पत्र का प्रचार करते हुए देखा है। रविवार की दोपहर में हॉल की उस डाइनिंग टेबल पर बैठे घर के उन वंशों के बीच एक पराई धन को जब मैं अपने करियर या विवाह पर अपनी मर्जी जताने की बात रखते हुए देखता हूँ तब मुझे तो ठीक ही लगता है। लेकिन जितने पिताश्रियों को मैंने नाराजगी में टेबल छोड़ कर जाते हुए देखा है उतनी ही माताओं को भी मैंने खुद के प्राण हर जाने की धमकियां देते हुए देखा है। ये जो समय समय पर अदालते समाज में एक औरत की पेशी लग जाती है सदियां बीत गई हैं जनाब, आखिर कब होंगी ये बाइज्जत बरी। हाँ, वैसे समाधान के लिए बाहर एक युद्ध तो छेड़ा गया है, युद्ध औरत और मर्द के बीच का युद्ध। मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि इस दुपट्टे और बुरखे में ढकने वाले समाज की संरचना में हम मर्दों के घमंड का सबसे बड़ा योगदान है। परंतु माफ कीजिएगा महोदय महोदया, जब कटघरे में एक औरत खड़ी होती है तब उस पर इल्जाम लगाने वालों का कोई एक विशेष जेंडर नहीं होता। उसे जज करने वाली भीड़ में तो मर्द और औरत दोनों एक समान हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय जेंडर बट यूनाइटेड बाय पेट्रियार्की, पितृसत्ता। जरा सोचिए, जब पक्ष में भी हम दोनों ही हैं और विपक्ष में भी हम दोनों, जब धर्म में भी हम दोनों ही हैं और अधर्म में भी हम दोनों, फिर ऐसा युद्ध तो बिना परिणाम के बस चलता रहेगा, जिसे कई उद्योगों ने "ف" पर "ए" की मात्रा मिनिस्ट नामक शब्द का दुरुपयोग कर मुनाफे वाली सामग्री बना दिया। परंतु सच तो ये भी है कि बदलाव के लिए युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। बस फैसला हमें करना है कि वो औरत और मर्द का हो या वो युद्ध, इंसान का इंसान से, सही का गलत से, सोच का सोच से। फिर चाहे कटघरे में एक औरत हो या मर्द या थर्ड जेंडर, उनके मुकदमे की बुनियाद में बराबरी की दलीलें हों, हक की दलीलें हों, सत्य असत्य की दलीलें हों, पर जेंडर की नहीं। शायद इस युद्ध को सही दिशा भी मिल जाएगी महोदया महोदय, मात्र नारा उलटने की जरूरत है। यूनाइटेड बाय जेंडर बट डिवाइडेड बाय पेट्रियार्की। शुक्रिया।